मैं अभी सेंट्रल फेरी में हूँ। सेंट्रल फेरी से चुंगचौ अगर आप सामान लेके जाते हैं सेंट्रल से चुंगचौ में, उधर आप दूसरा आइलैंड में शिप से, तो ये देखिए मेरे पास दो बॉक्स है यहाँ पे विस्की, और दो बॉक्स लेके जाएंगे चुंगचौ में, वो इधर इस साइड में शिप में रख देंगे और वो लेके जाएगा, उधर आदमी खुद ले लेगा। तो इस साइड से हम लोग, मैं लेके आया, इधर वेटिंग में हूँ, और यहाँ पे सीप आएगा, बड़ा वाला सीप आएगा चुंगचौ के लिए, तो इधर से हम खाली रख देंगे। और इस साइड से आप देख रहे हैं अभी बंद है, क्लोज है, उधर उधर से पैसेंजर आएगा, वो भी पैसेंजर इधर ही बैठेगा, और हम लोग ये भी और आदमी है, दो बॉक्स है, दो वेजिटेबल है उस साइड में, और एक आदमी और है जो इधर बैठा हुआ है, वो भी सामान इधर सामान लेकर बैठा है और ले जाने के लिए। तो इसका चार्ज हमें दो बॉक्स का मुझे देना पड़ा, मैं दिखाता हूँ इधर, और $25 है टोटल फेयर, $25 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 लिखा है ना। और मैं इस साइड से दिखा देता हूँ, इधर अब देख, एक बॉक्स को इसने पानी में फेंक दिया है, फेंकना तो नहीं चाहिए, सफा रखना चाहिए। और इस साइड में आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला काला, ये काला इसी से सीख आएगा ना, ये रोक देगा, इसमें लोहा में नहीं लगेगा, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, और दूसरे साइड में आप फेरी देख सकते हैं, नजदीक से दिखाई देगा, उधर भी सीप आ गया है तो रुका हुआ है, उस साइड में दोनों दोनों साइड में आता है। इधर बहुत फेरी जो सेंट्रल में है ना, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, सात आठ फेरी है यहाँ पे, सब दूसरे दूसरे जगह में जाता है। हो गया चिंता सुसाइड, यहाँ पे पैसेंजर आपको दिखाई दे रहा होगा, सब लोग वेटिंग में है, जब सीप आएगा तो इस साइड से दरवाजा खुलेगा और सीप इधर आके रुक जाएगा। अब ये सीप आ गया ना, कितना बड़ा है देखने से पता चलता है कितना आदमी होगा। ये रस्सी फेंक रहा है, रस्सी रस्सी से उधर बांध देगा तो हिलेगा नहीं, और लोग जब आएगा जाएगा लोग तो पानी में नहीं गिरेगा, इसीलिए सेफ्टी के लिए बांध दिया ना रस्सी, इस टाइप का बांध रहा है, रस्सी बांध दिया ना। अब ये जो दरवाजा है आगे वाला दिखाई दे रहा है, ये दरवाजा खोलेगा और इसके ऊपर लाल वाला दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हो जाएगा तो आदमी जाएगा आराम से आएगा, तो इसी के ऊपर से मैं लेके जाऊँगा, खोलेगा सब क्लियर करके उसके बाद खोलेगा, अभी नहीं, वही साइड में देख सकते हैं उधर अभी भी आदमी सामान लेके आ ही रहा है, सामान अभी ज्यादा हो जाएगा, ये देखिए खुल रहा है, खुल रहा है ना, अब इसके ऊपर हम लेके जाएंगे और पूछेंगे कहाँ रखेंगे बोल के, एक आदमी लेके चला गया, ठीक है लेके जा रहा है, मैं भी इसी इधर मैंने रख दिया, और भी सामान आदमी कोई नहीं है, इस ऐसे हिसाब से आदमी अब आएगा, तो मैं जा रहा हूँ ये ट्रॉली लेके, ये देखिए अब ये सब सामान रखेगा लोग, ये थोड़ा महंगा है, ये आराम से बैठा हुआ है, ये है चिंगचौ। तो इस साइड से पैदल यात्रा जो आदमी जाकर बैठता है, देखिए कितना भीड़ है आगे, और इस साइड से अगर आप जाते हैं तो सामान लेके जाना पड़ेगा उधर रूप में से, और उस साइड भी आएगा, दोनों साइड में सीप आता है, एक आएगा तो उस साइड में आएगा, फिर जाएगा एक जाएगा तो एक आएगा, दोनों साइड में। तो मेरा तो काम हो गया, तो मैं जा रहा हूँ अभी, और इस साइड में आप गाड़ी रोक सकते हैं, जैसे टैक्सी और सामान डिलीवरी वाला गाड़ी है, वो सब इस साइड में रुकने वाला जगह बनाया है, एक स्टेप देखिए पैदल, और इसी रास्ते से थोड़ा आगे जाएंगे तो आप सेंट्रल से चले जाएंगे, सेंट्रल सब डिलीवरी वाला गाड़ी इधर ही रुका हुआ है,
अभी मैंने जो सामान रखा है ये देखिए सीख कितना बड़ा है, यही सीख है जो अभी सामान मैंने रखा है।